एक लड़की के साथ जबरदस्ती होती है, जिसके बाद से वो किसी से भी बात करना बंद कर देती है। वो किसी को इस बारे में बताना भी नहीं चाहती, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही हो रही थी। क्या वो इस सब से उभर पाएगी? ये हम आज की कहानी में जानेंगे। फिल्म शुरू होती है मिलिंडा नाम की मेन कैरेक्टर से, जो अपने होठों के आसपास पेंट कर रही है, जैसे किसी ने उसके होठों को सिल दिया हो। तभी उसकी माँ आती है और उसे ऐसा करते देख उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे काम पे जाना है तो वो ज्यादा बोलती नहीं और चली जाती है। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई थी और अब स्कूल खुलने वाले थे। स्कूल के पहले दिन मिलिंडा को बहुत डर लग रहा था, वो बहुत नर्वस थी। आज उसके स्कूल में एक नई लड़की आई थी जिसका नाम था हैदर। मिलिंडा उसे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन वो स्कूल में नई है इसलिए वो उसकी दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाती है। हैदर बहुत ज्यादा बोलती थी और मिलिंडा उतना ही कम। आज अपनी नई क्लास ढूंढते हुए उसे देर हो गई थी तो उसके टीचर मिस्टर नेक उसे वार्न करते हैं कि दोबारा लेट नहीं करना। बायोलॉजी क्लास में मिलिंडा का पार्टनर बनता है डेव। डेव का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, उसे जो भी सही लगता है वो बोल देता है, उसे जरा भी डर नहीं लगता। फ्लैशबैक में समर ब्रेक पर जाने से पहले मिलिंडा अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी, लेकिन कुछ देर बाद वो पार्टी में डिस्टर्ब हो गई थी और उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस के आने की वजह से वहां से बच्चों को भागना पड़ा था, कुछ को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था और इसी वजह से स्कूल के काफी सारे बच्चे उससे नफरत करते थे और उसके पुराने दोस्त भी अब अलग अलग ग्रुप में थे, कोई भी उससे बात नहीं करता था। स्कूल में एक नए टीचर आए थे जिनका नाम था फ्रीमैन। ये एक आर्ट टीचर थे। फ्रीमैन ने कहा कि इस आर्ट क्लास में तुम अपने आप को ढूंढ सकते हो और अभी इस मोमेंट पे तुम क्या फील कर रहे हो ये तुम्हें ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अपनी फीलिंग को नहीं बताता। फ्रीमैन कहता है कि बाकी दुनिया की तरह तुमने भी अपनी फीलिंग्स को दबाना सीख लिया है, तो अब तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पे काम करना होगा। इसके बाद फ्रीमैन ने सारे बच्चों को एक एक सब्जेक्ट दिया और अब सारे स्टूडेंट्स को इसी सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करना होगा। मिलिंडा को एक पेड़ मिलता है, वो एक बेसिक सा पेड़ बनाती है। ये देखकर फ्रीमैन कहता है कि साल के अंत तक इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मिलिंडा की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था रेचल, लेकिन वो भी आजकल उससे बात नहीं करती थी। मिलिंडा को ये बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। उसकी माँ ये देखती है और उसे डर था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन मिलिंडा किसी को भी बताती नहीं थी। उसकी माँ ने उससे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिलिंडा ने रियलाइज किया कि लोग अब उससे बात नहीं कर रहे, तो अगर वो बात करना बंद कर दे तो कितने टाइम तक वो रह सकती है। उसकी नई फ्रेंड हैदर कुछ ज्यादा ही बात करती थी और मिलिंडा जरा भी नहीं, तो उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली क्लास में मिस्टर नेक जॉब को लेकर कुछ बात कर रहे थे। मिस्टर नेक का कहना था कि उनकी फैमिली अमेरिका में पिछले 200 सालों से रह रही है, लेकिन फिर भी अब तक उनके बेटे को जॉब नहीं मिली और इसका रीजन वो दूसरे देशों से आए लोगों को मानते थे। लेकिन एक स्टूडेंट को उसकी ये बात गलत लगती है। वो कहता है कि शायद आपके बेटे में वो स्किल नहीं है जो एक जॉब में चाहिए। मिस्टर नेक को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उसे डांट देता है। डेव को भी दूसरे स्टूडेंट की बात सही लगती है। वो मिस्टर नेक से कहता है कि आपके ख्याल पुराने जमाने के हैं, तो इसी वजह से आप ऐसा बोल रहे हो। मिस्टर नेक उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेव खुद क्लास से बाहर चला जाता है। अगले दिन मिलिंडा की फ्रेंड रेचल उससे वॉशरूम में मिलती है। मिलिंडा उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेचल उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चली जाती है। मिलिंडा ने बाथरूम में कुछ गलत लिखा था, जिसकी वजह से मिस्टर नेक उसका पीछा कर रहे थे। मिस्टर नेक से भागते हुए वो स्कूल के एक कमरे में छिप जाती है। फ्लैशबैक में समर पार्टी में मिलिंडा को एंडी नाम के एक लड़के ने अप्रोच किया था, उससे बात करके उसके साथ डांस करने लगा। डांस करते करते बारिश आ जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन बायोलॉजी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट था, इसके लिए हर एक टीम को एक सेब दिया गया। मिलिंडा को वो सेब देखकर अपने बचपन की याद आती है और वो सेब खा जाती है, जिससे टीचर बहुत गुस्सा हो जाती है। मिस्टर नेक से भागते हुए उसे जो सेफ जगह मिली थी वो वहां पर आकर उसे साफ करती है और अपनी चीजें रखती है। पूरे स्कूल में उसे यही जगह अपने लिए सेफ लगती थी। लंच ब्रेक में मिलिंडा रेचल के ग्रुप के साथ लंच कर रही थी, तभी वहां पर एंडी आता है और वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। मिलिंडा को ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और वहां से वो गुस्से में उठ के चली आती है। उसके जाते ही उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि मिलिंडा बहुत ही अजीब है, अब वो हमारे साथ हमारे ग्रुप में नहीं रह सकती। वहां से उठकर मिलिंडा फ्रीमैन के पास आती है। फ्रीमैन कहता है कि तुम यहाँ पे लंच कर सकती हो, लेकिन ये रूल के खिलाफ है, तो इसलिए तुम्हें कुछ ड्रॉ भी करना होगा। फ्रीमैन उससे पूछता है कि क्या वो हैलोवीन पर बाहर जाएगी कैंडी कलेक्ट करने। मिलिंडा कहती है कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। फ्रीमैन कहता है कि ठीक है, मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं कैंडी कलेक्ट करने जाता हूँ। हमें कभी भी अपने अंदर के बच्चे को उसकी मासूमियत को नहीं मरने देना चाहिए। मिलिंडा कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रही थी, तो फ्रीमैन कहता है कि वो अपना टॉपिक इमेजिन करे और उसे ही ड्रॉ करे। मिलिंडा स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती थी। स्कूल का जो उसका सेफ एरिया था वो वहीं जाकर हैंग आउट करती थी। अब स्कूल में थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल आ गया था। मिलिंडा की माँ कुकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी, तो वो बहुत इरिटेट हो गई थी। मिलिंडा के फादर ने ये रियलाइज किया और उसे अपने साथ डोनट खाने के लिए ले गए।
बाहर जाने पर उसने डिसाइड किया कि आज वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देगी, लेकिन घर आने पर उनके डिनर की ऐसी की तैसी हो गई थी। उसकी माँ को उसके काम से एक कॉल आता है और वो चली जाती है। थैंक्सगिविंग के बाद आर्ट क्लास में मिलिंडा टर्की की कुछ हड्डियां लेकर आई थी। फ्रीमैन उससे पूछता है कि वो ये हड्डियां क्यों लाई है। वो कहती है उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी देर बाद सब देखते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा आर्ट बनाया था। फ्रीमैन कहता है कि इस आर्ट में मुझे एक बर्बाद हुए हॉलिडे और उसमें एक छुपे हुए इंसान का इमोशन दिख रहा है। मिलिंडा बहुत सरप्राइज होती है कि उसकी फीलिंग को कोई जान सकता है उसके बिना बताए। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक स्पोर्ट्स गेम था जहाँ पे मिलिंडा गई थी। उसके पीछे बैठी एक लड़की उससे कहती है कि जिस पार्टी में तुमने पुलिस को बुलाया था उस पार्टी में मेरा भाई भी था और वो अरेस्ट हो गया था। फ्लैशबैक में बारिश के बाद मिलिंडा के बाल गीले हो गए थे, तो उसे सुखाने में एंडी उसकी हेल्प करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पे चलोगी। मिलिंडा पहले तो जाने के लिए बहुत कतरा रही थी, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा फोर्स करता है तो फिर वो मान जाती है। एंडी उसे अपनी कार के पास ले आता है और वहां लाकर उसे किस करने लगता है। उसके साथ वो बहुत जबरदस्ती करता है और इसी की वजह से मिलिंडा ने पुलिस को फोन किया था। उसकी जबरदस्ती की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और पुलिस बुलाने की वजह से ही उसका कोई फ्रेंड नहीं था, और अब उसे इसके बुरे सपने आने लगे थे। उसकी माँ ने ये नोटिस किया था और वो कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी माँ को लगता था कि शायद मिलिंडा की कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए वो ज्यादा डिस्टर्ब है। वो कहती कि तुम्हारे साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है फ्यूचर में तुम सब कुछ भूल जाओगे और शायद इन्हीं सब चीजों को सोचकर बाद में हंसने लगो। फ्रीमैन का आर्ट क्लास के लिए बजट कम हो गया था क्योंकि वो एक अच्छा टीचर था और वो स्टूडेंट्स की मदद करता था अपने आर्ट के जरिए खुद को समझने की। बायोलॉजी क्लास में फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट करते हुए मिलिंडा बेहोश हो जाती है। समय बीतता गया और अब क्रिसमस का समय था। मिलिंडा अपने पेरेंट्स के लिए काफी अच्छे गिफ्ट लाई थी। उसके फादर ने नोटिस किया था कि वो आजकल बहुत कुछ ड्रॉ करने लगी है, तो उसके लिए वो एक ड्रॉइंग बुक और कुछ कलर्स लेकर आए थे। अगले सीन में हैदर मिलिंडा से बात करती है। वो कहती है कि जब मैं नई थी तो तुमने बहुत मदद की, लेकिन अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रह सकती। तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। ये सुनकर मिलिंडा को बहुत बुरा लगता है। मिलिंडा फ्रीमैन से बात करने जाती है लेकिन वो भी थोड़ा डिस्टर्ब था, तो वो भी उससे बात नहीं करता। कुछ दिनों बाद मिलिंडा का रिपोर्ट कार्ड घर आता है। पिछले साल उसके काफी अच्छे ग्रेड थे लेकिन इस बार उसके नंबर बहुत खराब थे, तो इस बात पे उसके पेरेंट्स उससे गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये साल कुछ भी करके अच्छे ग्रेड लाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगी। इसके बाद मिलिंडा अपने टीचर मिस्टर नेक से बात करती है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो मिस्टर नेक कहते हैं कि ठीक है एक ऐसे लिख कर लाओ। मिलिंडा ने जब ऐसे लिखा तो वो कहते हैं कि इस ऐसे को तुम्हें सबके सामने पढ़ के सुनाना होगा, लेकिन मिलिंडा को ये अच्छा नहीं लगता और वो इस बारे में डेव से हेल्प मांगती है। दोनों मिलकर इस बात के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और इस बात से मिस्टर नेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। साथ ही मिलिंडा के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। मिलिंडा की माँ उसे ही दोष दे रही थी, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी का लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, वो सबसे बात करती थी, उसके नंबर भी अच्छे आते थे, लेकिन इस बार आपके स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी ने बात करना बंद कर दिया, उसके नंबर खराब आने लगे। उसके बाद डेव मिलिंडा से बात करता है, कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो तुम उसके खिलाफ हो, तुम्हें लोगों को अपनी बात मनवानी पड़ेगी। कुछ समय और गुजरता है और अब दिन था वैलेंटाइन डे का। मिलिंडा को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड रेचल एंडी को डेट कर रही है और इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है। आर्ट क्लास में मिलिंडा की पेंटिंग बहुत ही अच्छी हो रही थी। फ्रीमैन को भी लगता था कि वो पेंटिंग में कुछ अच्छा कर सकती है। वो उसे पिकासो की पेंटिंग दिखाता है, उसे इंस्पायर करता है। क्लास खत्म होने के बाद भी मिलिंडा आज पेंटिंग कर रही थी, तभी वहाँ पे एंडी आता है और उससे रेचल के बारे में पूछता है। रेचल के जरिए वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पे रेचल आती है और उन दोनों को साथ देखकर वो गलत समझती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एंडी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि मुझे लगा वो तुम्हारी दोस्त है। रेचल कहती है कि वो मेरी फ्रेंड थी लेकिन अब नहीं है। एंडी अपनी मीठी मीठी बातें करके रेचल को मना लेता है, लेकिन उन दोनों की ये बात मिलिंडा सुन रही थी और वो अपने घर पर आके बहुत रोती है। एक दिन स्कूल में मेंटल हेल्थ का डे था, मिलिंडा उस दिन स्कूल नहीं जाती। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है और एक खाली बेड पे सो जाती है। वैसे भी वो घर पे सो नहीं पाती थी और वो हमेशा उस रात के बारे में सोचती रहती। पूरा दिन बीत गया था लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि मिलिंडा आज स्कूल नहीं आई है और ना ही हॉस्पिटल में। रात में वो उठकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन उससे मिलने हैदर फिर आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप तोड़नी नहीं चाहिए थी। असल में हैदर के ग्रुप को स्कूल के डेकोरेशन का काम मिला था, लेकिन बाकी के ग्रुप मेंबर ने हैदर पे सारा काम डाल दिया था और अब उसे हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए वो फिर से मिलिंडा की फ्रेंड बनना चाहती थी। लेकिन अब मिलिंडा इन सबसे तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह से यूज नहीं कर सकती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। स्कूल में जाकर वो टेनिस के लिए भी ट्राई करती है। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा था और वो बहुत अच्छा भी खेल रही थी। रेचल को लेकर मिलिंडा एक कंफ्यूजन में थी। वो परेशान थी कि उसे एंडी के बारे में उसे बताना चाहिए या नहीं। अगर उसने नहीं बताया तो एंडी भी रेचल के साथ वही करेगा जो उसने उसके साथ किया था। मिलिंडा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे किसी को नहीं मालूम था और उसे किसी से बात भी नहीं करनी थी।
काफी सोचने के बाद वो रिचल के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम और एंडी डेट कर रहे हो। रिचल कहती है कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके बाद मिलिंडा ने रिचल को सब कुछ बता दिया, लेकिन रिचल उल्टा मिलिंडा पे गुस्सा हो जाती है। रिचल को लग रहा था कि मिलिंडा को उससे जलन हो रही है। गुस्से में वो वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद वो उसकी बात पे सोचने लगती है और वो एंडी से इस बारे में पूछताछ करती है। ये सुनकर एंडी को भी गुस्सा आता है और वहां से चला आता है। एंडी के गुस्सा होने से रिचल को सब पता चल गया कि मिलिंडा ने जो भी कहा वो सही था। अगले सीन में डेव मिलिंडा के पास आता है और कहता है कि ईयरबुक के लिए तुम्हारी साइन चाहिए। ईयरबुक में उसकी फोटो थी। मिलिंडा कहती है कि मेरी फोटो किसने ली, मैंने तो नहीं दी थी। डेव कहता है कि मैंने तुम्हारी फोटो ली थी। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। डेव आगे कहता है कि आज रात हम सब फ्रेंड मिलकर बाहर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। मिलिंडा को ये बात अच्छी लगती है और वो जाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद मिलिंडा फ्रीमन के पास जाती है। स्कूल अब खत्म होने वाला था और फ्रीमन ये जॉब छोड़ रहे थे। फ्रीमन कहते हैं कि इस तरह से स्टूडेंट को जज करने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मिलिंडा फिर उसे अपनी ड्रॉइंग्स दिखाने अपनी सेफ जगह पे ले जाती है। पूरे साल मिलिंडा ने यहाँ ढेर सारे पेड़ों की तस्वीर बनाई थी, पर हर एक ड्रॉइंग यूनिक थी। ये सब देखकर फ्रीमन इमोशनल हो जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक स्टूडेंट को वो चेंज कर पाया। फ्रीमन के जाने के बाद वहाँ पे एंडी आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें रेचल को ये सब नहीं बताना चाहिए था और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। मिलिंडा के पास पेंटिंग ऑयल की एक बॉटल थी तो उसने एंडी की आंखों में वो डाल दी, लेकिन एंडी फिर भी उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मिलिंडा की चीखें सुनकर स्कूल की टीम के लोग उसे बचा लेते हैं। टीम में कुछ ऐसी भी लड़कियां थी जिनके साथ एंडी ने भी जबरदस्ती की थी, तो इस वजह से वहां सबको मालूम था कि मिलिंडा ने एंडी के साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद ये सब मिलकर प्रिंसिपल को बात बता देते हैं। अपने किए की वजह से एंडी को जेल जाना पड़ता है। मिलिंडा की माँ को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत सपोर्ट करती है। उन्हें बहुत अफसोस होता है कि मिलिंडा इतने दिनों तक ये सारी बात अपने मन में छुपाई थी और अकेले ही इन सब से लड़ रही थी, लेकिन अब मिलिंडा अपने लिए स्टैंड लेना सीख गई थी। ये फिल्म हमें ये भी सिखा के जाती है कि हमें कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन जो सही है हमें उसके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। इसी के साथ फिल्म की ब्यूटीफुल एंडिंग होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।